और वो जातो सुदूर है, मकसद अर्श जातो सदर है, जो अर्श की हकीकत है वो उसकी जात है। मैं जब कुरान से पूछता हूं, एक जगह कुरान ने अर्श को अजीम कहा, एक जगह कुरान ने अर्श को करीम कहा, एक जगह कुरान ने अर्श को मजीद कहा। बस तीन लकब हैं नकवी साहब कुरान के, चौथा दिखा दो बैत कर लूंगा। अर्श अजीम, अर्श करीम, अर्श मजीद, यानी अजमत उसकी जात है, इकराम उसकी जात है, मजद बुजुर्गी उसकी जात है। और एक रात ऐसा हुआ कि मेरी रूह चकराव के रह गई। यही अजीम नीचे था, किसी की जूती ऊपर थी। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? है ये करीम नीचे था मलिक हर, मेरे रसूल की नालेन ऊपर थी, ये मजीद नीचे था। रसूल की पापोश ऊपर थी, रसूल को बाद में ढूंढना, पहले मुझे इस जूती की हद बताओ। जिसके ऊपर जूती है वो अजीम है, तो जूती आजम हुई ना। पल्ले पड़ रही है बातें पिछले माले वालों। अर्श अजीम है जो ऊपर है ज्योति, तो ये भाई वो आजम हुई ना। अर्श करीम है मादिशाह जो ज्योति ऊपर है वो अकरम हुई ना। अर्श मजीद है जो नालैन ऊपर है वो अमजद हुई ना। अब आजम अकरम अमजद तो मेरे रसूल की जूती है, जो यहां तक आ जाए वो क्या है?